छोटी छोटी मगर ध्यान देने योग्य बातें। एक, सूजी का हलवा रोज खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। दो, गाजर का हलवा खाने से गुर्दे का पथरी टूटकर निकल जाता है। तीन, बासी रोटी खाने से दांतों में ठंडा गरम लगने की बीमारी दूर हो जाती है और दांत मजबूत हो जाते हैं। चार, दाएं तरफ करवट लेकर लेटने से नींद जल्दी आ जाती है। पाँच, लकड़ी की आग में बना खाना बहुत ही स्वादिष्ट के साथ साथ काफी सेहतमंद होता है। छह, रात को मीठा के बदले कड़वा खाना काफी सेहतमंद होता है। सात, स्मोकिंग और शराब के सेवन से दाढ़ी के बाद जल्दी ही सफेद हो जाते हैं। आठ, बालों पर कंघी न करने से बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं और रोज एक कप कच्चे आंवला का जूस पीने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। नौ, बच्चों को दलिया खिलाने से उनके वजन बढ़ने के साथ साथ उनके मांसपेशियां एवं हड्डियां भी मजबूत होती है। दस, शाम को प्याज का सेवन करने से बवासीर जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाती है। 11. जिन औरतों का उम्र 40 वर्ष से ऊपर है उनके लिए चुकंदर का सेवन काफी लाभदायक होता है। 12. कुम्हार की काली मिट्टी में जरा सा देसी घी मिलाकर सूजन वाली जगह पर लगाने से सूजन हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। 13. कोई जहरीली चीज मुंह में चली जाए तो तुरंत ही नमक खा ले, जहर बेअसर हो जाता है। 14. अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है तो उसे केले में शहद मिलाकर दे, वह मिट्टी खाना छोड़ देगा। 15. पानी कम पीने से दिमाग की नसों में खून के थक्के जमने लगता है, जिससे दिमाग पर ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और आपको बेहोशी आ सकती है। इसीलिए रोज कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। 16. काली किशमिश किडनी में पथरी होने से रोकती है, इसलिए काली किशमिश का सेवन करनी चाहिए। 17. चुकंदर के पत्तों को उबालकर सिर धोने से सर का खुश्की दूर हो जाती है। 18. जो लोग रात में देर से सोने की आदी होते हैं, उनकी टांगे समय से पहले कमजोर हो जाती है। 19. सुबह को नाश्ते के बाद 2 अंजीर खा लेने से लिकोरिया की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। 20. बच्चों को अक्सर दस्त, उल्टी, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं होती रहती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए बच्चों को इलायची वाले दूध का सेवन करवाएं। इससे उनकी पाचन क्रिया ठीक होगी और पेट को ठंडक मिलेगी। 21. जिन बच्चों को कम उम्र में चश्मा लग गया है, उन्हें दूध में मिश्री, सौंफ और इलायची मिलाकर पिलाने से उनके आंखें स्वस्थ और शरीर को ताकत मिलेगी। 22. बच्चे अक्सर प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं और प्लास्टिक के टिफिन में खाना खाते हैं, यहाँ तक कि घर में अधिकतर चीजों को रखने में प्लास्टिक का कंटेनर ही यूज किया जाता है, जो कि बच्चों के हार्मोन को प्रभावित करता है और उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए हो सके तो प्लास्टिक का इस्तेमाल न के बराबर करें। 23. पान के पत्ते का रस आँखों में डालने से आँखों का लालपन खत्म हो जाता है। 24. होठों में सूजन आना जल्दी गुर्दे खराब होने की निशानी होती है। 25. रात को चेहरे पर दही और मलाई लगाकर सो जाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती है। 26. खाने में अंजीर और लहसुन का इस्तेमाल बराबर मात्रा में 2 महीने तक करने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। 27. 10 ग्राम सौंफ के पाउडर को देसी घी में मिलाकर सेवन करने से चक्कर आना बंद हो जाता है। 28. हर रोज चुटकी भर काला नमक के सेवन से दिल का दर्द नहीं होता है। 29. कच्चा बादाम खाने से आंखों से संबंधित परेशानियां होती है। 30. सफेद जीरे के सेवन से कैंसर का खतरा कम होता है, ये दिल के लिए भी काफी फायदेमंद है। 31. गर्म दूध पीने के तुरंत बाद पानी पीने से आपको खांसी की बीमारी हो सकती है। 32. जंग लगी हुई लोहे की चीजों पर नींबू रगड़ने से जंग खत्म हो जाता है। 33. मूंछ की बालों का समय से पहले सफेद होना शुगर की निशानी मानी जाती है। 34. हरी चाय में गुड़ डालकर पीने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती है। 35. अगर आपके बाल ड्राई हैं तो हफ्ते में एक बार बालों पर गर्म तेल से मसाज करें और भाप दें, इससे आपके बाल मुलायम हो जाएंगे। 36. मेहंदी को कलर आने तक ही बालों पर लगाए रखें, क्योंकि ज्यादा देर तक बालों पर मेहंदी रहने से बालों की नमी सूखती है। 37. कई बार एड़ियों में दर्द होने से चलने में कठिनाइयां होती है।
ऐसे में 50 ml सरसों के तेल में आधा चम्मच हल्दी, 2-4 लहसुन की कलियां और चुटकी भर नमक मिलाकर तेल को पका लें। उसके बाद तेल को छानकर एड़ी में मालिश करने से दर्द से काफी राहत मिलती है। 38. सर्दियों में बच्चों की सेहत के लिए तुलसी के 4 पत्ते को पीसकर उसमें मधु मिलाकर बच्चों को पिलाने से सर्दी नहीं लगती है। 39. सूरजमुखी के तेल से पैरों में मालिश करने से दर्द से छुटकारा मिलता है। 40. गाजर की जूस में शहद और नमक डालकर पीने से आंखों की कम हुई रोशनी लौट आती है। 41. तरबूज का जूस पीने से किडनी में स्टोन का खतरा कम हो जाता है। 42. चुकंदर की नियमित सेवन से खून की कमी दूर होती है, साथ ही चेहरे पर ग्लो आता है। 43. सप्ताह में 2 दिन करेले का जूस पीने से दिल की बीमारी और शुगर के लिए काफी लाभदायक होता है, क्योंकि यह ब्लड को स्वच्छ बनाए रखता है। 44. मसूर दाल के नियमित सेवन से आपके शरीर में खून की कमी नहीं होता है। 45. चाय के साथ हल्दी खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है, इसीलिए चाय के साथ ऐसी चीजों का सेवन न करें जिसमें हल्दी की मात्रा अधिक हो। 46. इमली खाने से दिमाग को ताकत मिलती है और इमली का पानी पीने से शरीर की चर्बी गलती है। 47. सेब खाने के तुरंत बाद पानी न पिए, ऐसा करने से गले का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। 48. स्नान से 1 घंटे पहले नारियल तेल का बालों में मसाज बालों को मुलायम बनाता है। 49. चाय पीने के तुरंत बाद पानी पीने से दांतों की समस्या होती है। 50. गुनगुने पानी में 1 चुटकी नमक डालकर गार्गिल करने से गले की खराश दूर हो जाती है। 51. चावल के बोरे में तेज पत्ते को डालने से कीड़े नहीं लगते हैं। 52. बेसन में हल्दी और दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा में निखार आता है, साथ ही दाग धब्बे खत्म हो जाता है। 53. पूरी बनाने के लिए आटा गूंथते वक्त आटे में 1 छोटी चम्मच शक्कर मिला ले, पूरियां मुलायम बनेगी। 54. ज्यादा ठंडा पानी पीने से बाल झड़ना शुरू हो जाता है। 55. पेट दर्द होने से अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ ले, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। 56. हिचकी आने पर अदरक का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसे हिचकी ठीक हो जाएगा। 57. पेशाब में जलन होने से हरी इलायची का चूर्ण पानी के साथ ले, जलन ठीक हो जाएगा। 58. उल्टी आने पर लौंग को उबालकर पिए, उल्टी आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।